एक तरफ पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में अपना रोना रोता है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के चुनाव में हुई धांधली पर जेल के अंदर बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की याद आ रही है। उनका दर्द ये भी है कि अगर ईवीएम से वोटिंग होती तो आज वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते। चुनाव के बाद अब पाकिस्तान में जनरल का मोह नवाज शरीफ से भी भंग हो गया है। मुनीर, अब हर हाल में नवाज शरीफ का लंदन का टिकट कटवाना चाहते हैं। पाकिस्तान की राजनीति में उथल पुथल अब भी जारी है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में चुनाव खत्म, खेल चालू। इमरान को अब याद आई ईवीएम। नवाज शरीफ के लदे दिन। पाकिस्तान में फौजी सरकार वाले चुनाव हो गए, खूब माथापच्ची हुई, ड्रामा हुआ, सियासत हुई। इमरान खान को जेल की चक्की पीसने को मिली तो नवाज शरीफ को शान से वतन वापसी का पूरा मौका मिला। नवाज की प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद जगी तो इमरान खान के सारे सपने टूट गए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ की सारी कोशिशें पानी में चली गईं जब उनका बिछाया हुआ जाल बीच में ही झोल खाने लगा और आखिरकार जोड़ तोड़ की सरकार बनानी पड़ी और उसका मुखिया भी वो जो इंटरनेशनल बेइज्जती के नए रिकॉर्ड बनाता रहा है। लेकिन आज सबसे पहले बात पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की, जिन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान के चुनाव पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम होती तो चुनाव में ऐसा भ्रष्टाचार न हो पाता। अगर आज ईवीएम होती तो एक घंटे के अंदर मतदान में गड़बड़ियों के सारे मुद्दे सुलझा लिए जाते। पाकिस्तान के चुनाव आयोग, कुछ राजनीतिक दलों और संस्थान ने देश में ईवीएम लाने की योजना को बर्बाद कर दिया। ये बात इमरान खान ने अदियाला जेल के भीतर एक पत्रकार से बातचीत के दौरान कही। खबरों के मुताबिक उन्होंने बातचीत के दौरान ये भी कहा कि आम चुनाव में जनता के जनादेश को चुराने वालों पर देशद्रोह के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ इमरान खान ने यह दावा किया कि उनकी पार्टी को 3 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि बाकी 17 राजनीतिक दलों को मिलाकर भी इतने ही वोट मिले हैं। पाकिस्तान के चुनाव में धांधली की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैली थी। आपको बता दें कि ठीक चुनाव से पहले इमरान खान की पार्टी पीटीआई का चुनाव चिन्ह बल्ला भी छीन लिया गया था, उनकी पार्टी को बैन कर दिया गया था। इसके बावजूद भी उनकी पार्टी के समर्थकों ने चुनाव में जीत हासिल की। वैसे अब पाकिस्तान में गठबंधन की सरकार चल रही है जिसके प्रधानमंत्री वही हैं जिन्हें इंटरनेशनल बेइज्जती कराने का भरपूर अनुभव है। वैसे इस बीच पाकिस्तान की राजनीति में 45 साल तक सक्रिय रहे शहबाज शरीफ के भाई और पूर्व पीएम नवाज शरीफ के राजनीतिक सफर पर विराम लग सकता है। दरअसल जिस मकसद के लिए पाकिस्तान की आर्मी ने नवाज शरीफ को देश के भीतर लाने में अहम भूमिका निभाई, अब वो काम पूरा हो चुका है, यानी नई सरकार बन चुकी है। इसलिए सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ को वापस लंदन लौट जाने का फरमान सुना दिया। खबरों के मुताबिक इसकी स्क्रिप्ट भी तैयार हो गई है। माना जा रहा है कि नवाज शरीफ को खराब सेहत का हवाला देकर लंदन का टिकट कटवाने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। जाहिर है अब नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान बेगाना होता जा रहा है। वैसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने क्यों ऐसा प्लान बनाया, अब आपको इस बारे में बताते हैं। दरअसल जनरल मुनीर पाकिस्तान के दूसरे बड़े नेताओं पर पूरी पकड़ बनाना चाहते हैं। ये जानना भी जरूरी है कि मुनीर के लिए अब नवाज क्यों जरूरी नहीं रह गए। वजह नंबर एक, जबकि नवाज शरीफ अपनी मनशेरा सीट हार गए थे, जबकि लाहौर से 50,000 वोटों से पिछड़ गए थे, जिसके बाद उन्हें 80,000 वोट से विजेता घोषित दिखाया गया। फिलहाल पाकिस्तान की अदालत में लाहौर सीट पर नवाज की जीत के खिलाफ रीकाउंटिंग की अर्जी लगी हुई है, यानी नवाज शरीफ की मुश्किलें आगे और बढ़ सकती हैं। वजह नंबर दो, दूसरी तरफ नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ को भी पंजाब सूबे का मुख्यमंत्री बनाया जा चुका है। वजह नंबर तीन, जबकि नवाज के भाई शहबाज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, यानी अब नवाज शरीफ की कोई उपयोगिता नहीं दिखाई देती है। पाकिस्तान की आर्मी शरीफ खानदान और भुट्टो खानदान दोनों को ही सेट कर चुका है, जबकि इमरान खान कब तक जेल की हवा खाएंगे, कभी जेल से बाहर आएंगे भी या नहीं, इस पर फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। पाकिस्तान की जनता भी जानती है कि पाकिस्तान की राजनीति में जो भी कुछ हो रहा है उससे पाकिस्तान की किरकिरी हमेशा होती रही है। वैसे भारत में कई ऐसे विपक्षी दल हैं जो ईवीएम पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ते हैं और जीत जाए तो चुपचाप सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। यही वजह है कि भारत में भी चुनाव की घोषणा के वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को ईवीएम के दुखड़े को शायरी के अंदाज में सुनाना पड़ा। तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूँ। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम
हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो, और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन ईवीएम्स आर 100% सेफ। पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि भारत में 97 करोड़ से ज्यादा वोटर अपने मताधिकार का उपयोग कर लोकतंत्र के पर्व में शामिल होंगे और उन पर किसी भी तरह का वोट देने को लेकर कोई दबाव नहीं होगा। जबकि पाकिस्तान में हुए चुनाव में जो कुछ भी हुआ उससे पाकिस्तान की जमकर जग हंसाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।